आज हमारा देश भारत वो देश नहीं रहा है जो भर भर के डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करता रहे, बल्कि कई प्रकार के एडवांस हथियारों को न सिर्फ अपने देश के लिए तैयार कर रहे हैं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 और 22 में भारत ने करीबन 13,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था। इस साल ये डेटा और ज्यादा बढ़ने वाला है और कुछ ही सालों में ये डेटा बिलियन $ तक पहुंच जाएगा। फिलहाल कई चैनल्स की तरह हम आपको पुरानी खबरें नहीं देने वाले हैं बल्कि नई खबरों के साथ आपका दिन बनने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लेकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बड़ी खबर यह है कि भारत की बड़ी डिफेंस कंपनी BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को करीबन 225 मिलियन $ के एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव हुए हैं। भारत में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऑर्डर्स लगे हुए हैं जिसके बारे में आगे बात की जाएगी। फिलहाल बात करें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो करीबन 10 कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किया गया है। रिसेंटली हुए एयरो इंडिया 2023 के दौरान BDL ने 10 कंपनियों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जिससे वो कई प्रकार के डिफेंस कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जिसके चलते कंपनी के शेयर्स में सिर्फ 5 दिनों के अंदर 10.35% की तेजी आई है। इसके अलावा लास्ट 6 महीने में कंपनी ने करीबन 14.14% की वृद्धि देखी है। इससे ये बात साबित होती है कि भारत का डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है। फिलहाल बात करें हम कंपनी के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में तो कंपनी ने बीते मंगलवार को ब्रिटेन की कंपनी थेल्स के साथ में लेजर गाइडेड रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, जिसमें वो इन रॉकेट्स के साथ साथ कई उनके कंपोनेंट्स को भी भारत में ही मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जिसका एक काफी बड़ा हिस्सा ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने UAE के साथ में LRPGM को मैन्युफैक्चर करने के भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है और न सिर्फ 2023 बल्कि 2022 से इस बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है। लास्ट ईयर कंपनी ने डसॉल्ट एविएशन से भारत डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए राफेल, एस्ट्रा और स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन्स को एकीकरण करने के लिए कई पार्टनरशिप को साइन किया था। और न कंपनी इन डिफेंस इक्विपमेंट्स पर सीमित रहेगी बल्कि इनको और ज्यादा एडवांस करने के लिए और कई नए इक्विपमेंट्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कंपनी ने IIT रोपड़ के साथ में अंडरवाटर मिसाइल्स पर अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए IIT रोपड़ के साथ में हाथ मिलाया है। वहीं जैसा वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि भारत ने लास्ट ईयर करीबन 13,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, वहीं 2023 में करीबन 17,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया जाएगा। वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया है, इससे भारत के अंदर 2025 तक करीबन $5 बिलियन के डिफेंस एक्सपोर्ट आसानी से किए जा सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ब्रह्मोस मिसाइल सहित कई और डिफेंस इक्विपमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी फिलीपींस के साथ में किए गए हैं। वहीं भारत के डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के लिए कल्याणी ग्रुप भी काफी तेजी से काम कर रही है। कल्याणी ग्रुप ने करीबन 2,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया है ग्लोबल और इंडियन कंपनीज के साथ में, ताकि वो एक्सपोर्ट में भी कुछ परसेंट हिस्सेदारी जरूर रखें। इसके अलावा भारत में रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए AK-203 राइफल्स को भी बनाने का काम किया जा रहा है। ये प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश के अमेठी में, जिसको शुरू किया गया है 17 जनवरी 2023 को, जहां पर ये प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर 100% मेड इन इंडिया हो जाएगा, यानी कि पहले साल में 30% मेड इन इंडिया कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए इस राइफल को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सेकेंड ईयर में 60-65% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स और थर्ड ईयर में 100% मेड इन इंडिया कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए इन AK-203 राइफल्स को बनाने का काम भारत में शुरू कर दिया जाएगा। प्रोडक्शन ऑलरेडी चालू है और बहुत जल्द इसकी एक्सपोर्ट डिलीवरी की खबरें सामने आएंगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारा डिफेंस सेक्टर काम कर रहा है। तो भारत के बढ़ रहे इस तरीके से डिफेंस सेक्टर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।